ओके जैसे कि आप टाइटल देख कर समझ ही गए होंगे आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ मुंबई टेलर जो थावे में पड़ता है, कपड़ा सिलवाना था। मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि मेरा मैं कहाँ कपड़ा सिलवाता हूँ। 4 साल से मैं वहीं कपड़ा सिलवाता हूँ मुंबई टेलर में, थावे में पड़ता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को वहाँ पर ले कर चलूँगा और जो वहाँ के ऑनर हैं, जो मुंबई टेलर के ऑनर हैं, उनसे बात भी कराऊँगा। और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जिसे भी आपको कपड़ा सिलवाना होगा आप सिलवा सकते हो। चलो आप लोग को वहाँ पर ले कर ही चलता हूँ। तो गाइस चलते हैं वहाँ पे, और जाने से पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। तो गाइस चलते स्टार्ट करते वीडियो को। हाँ तो मैं थावे आ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ दुकान में, मुंबई टेलर की दुकान में। तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, अगर आप आओगे यहाँ के एड्रेस में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप आओगे थावे में तो मेरा ओवरब्रिज यहाँ सामने ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज से जैसे उतरिएगा तो यहाँ पे है, मैं एड्रेस डाल दूँगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर नीचे भी आप देख सकते हो। चलो मैं लेके चलता हूँ। हाँ तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हैं इनको, ये दुकान का ऑनर है, मुंबई टेलर का ऑनर है। और अभी हमारी क्या कटिंग कर रहे हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो जो कटिंग हो रहा है, ये दूल्हे का कोट पैंट के लिए कटिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे कटिंग होएगा और सिलाएगा फिर यहीं पे, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले आप लोग को अंदर ला कर दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हो पूरा ये दुकान है, मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाऊंगा। और चाचा आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हाँ तो इनका नाम सोराब अली है और यहाँ मास्टर हो ना, कटर, हाँ कटर मास्टर है ये। और ये भी कटिंग ही कर रहे हैं, देख सकते हो आप ये क्या कटिंग कर रहा है, शॉर्ट की कटिंग हो रही है। तो आप देख ही सकते हो, मतलब दो मास्टर इन दुकान में, जैसे कि एक मैं बताया था दुकान का ऑनर भी कटिंग ही करते हैं और ये भी एक मास्टर ही हैं जो अभी कटिंग ही कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ ये दुकान में क्या क्या है। और जो वहाँ पे कटिंग होता है और वहाँ पे कपड़े सजाया जाता है, अभी मैं आप लोग को वर्कशॉप में लेके चलता हूँ जहाँ पे काम होता है, सिला जाता है। देख सकते हो आप, ये रहा वर्कशॉप, यहाँ पे सब कारीगर लोग बैठे हुए हैं, आप लोग से बात भी कराता हूँ। चाचा आपका नाम क्या है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम, आप क्या काम करते हो, मतलब क्या सिलते हो? हम शॉर्ट बनाते हैं। शॉर्ट बनाते हैं चाचा, और कितने सालों से काम कर रहे हैं चाचा? बहुत पुराने लग रहे हैं। 20 साल से, मतलब आप देख भी सकते हो एज कितना है, और 20 सालों से काम कर रहे हैं, और 20 सालों से काम कर रहे हैं तो आप देख, मतलब आपको मालूम ही चल गया होगा कि कितने साल से एक्सपीरियंस है और कितने अच्छे सिलते होंगे कपड़े। ठीक है, और भाई आपका नाम? मेरा नाम मंजूर आलम है। मंजूर आलम नाम है इनका। और आप क्या सिलते हो? सर शर्ट सिलते हैं। और कितने सालों से भाई आप काम कर रहे हैं? 2010 से। अच्छा, और भाई आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद सैफी। नूर मोहम्मद सैफी, आप क्या सिलते हो? पैंट सिलते हैं ये। और आप इनका भी एज देख सकते हो, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहीं पे काम करते हैं, 30 सालों से यहीं पे काम कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो कितने पुराने पुराने कारीगर हैं और कितने अच्छे से काम होता होगा, आप सोच ही सकते हो जो 20 साल और 15 साल का एक्सपीरियंस मिलता है। और भाई आपका नाम क्या है? लगा दो। और आप क्या सिलते हैं? बनाते हैं।
लेडीज के कपड़े बनाते हैं। और आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? पाँच साल से काम कर रहे हैं। और देख ही सकते हो कितने, मतलब ये भी काफ़ी पुराने, ये पाँच साल इनका भी हैबिट बहुत ज़्यादा ही होगा। और मैं आप लोग यहाँ पे भी एक भाई, आप क्या कर, आपका नाम क्या है भाई? नब्बे आलम अंसारी। और आप क्या सिलते हो? कोट पैंट सिलते हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पे मशीन में काम कर रहे थे, अब लोगों को बैक कैमरा से अभी दिखाया था, तो अभी फिलहाल वो काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे आयरन कर रहे हैं। और आयरन काफ़ी ज़रूरी होता है कोट पैंट में सिलने का टाइम में, क्योंकि जब तक वो सीधा नहीं रहेगा तब तक वो सिलाई अच्छे से बैठेगा नहीं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे प्रेस किया जाता है और यहाँ पे सिला जाता है मशीन, आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी एक और भाई है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर। और आप क्या सिलते हो? पैंट वाला। और कितने सालों से आप काम कर रहे हो? 2002 से काम करता हूँ। 2002 से। और मैं एक बात पूछना भूल गया, आप लोगों का पेमेंट टाइम से मिल जाता है? और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, बॉम्बे टॉप टेलर के ओनर से मैं बात कराऊंगा, तो आप देख सकते हो मेरे साइड में इस दुकान का ओनर है। तो सबसे पहले आप अपने नाम बताइए मेरे यूट्यूब फैमिली को। नमस्कार सर, हमारा नाम अमीर आलम हुआ, मैं इस बॉम्बे टॉप टेलर्स का मास्टर हूँ। हाँ, तो बॉम्बे टॉप टेलर के ऑनर है और मास्टर भी, यही सब जो भी कपड़े वगैरह जो होता है तो कटिंग वगैरह करने के लिए यही करते हैं। और पहले आप ये बताइए कि आपका जो दुकान है कितने सालों से यहाँ पे है, और यहाँ कोई और जगह भी था कि बस यहीं पे है स्टार्टिंग से? नहीं सर, हमारा दुकान 2002 में हुआ था। अच्छा, फर्स्ट में तो हम मुंबई में ये काम सीखे, बॉम्बे हाँ बॉम्बे में काम सीखे, वहीं से सीखे। और एकदम इनडायरेक्ट हम अपने थाने शहर में, क्योंकि हम पासी के रहने वाले हैं, ग्राम बरारी हरकेश से रहने वाले हैं, और फर्स्ट में हम यहीं पे दुकान खोले सन 2002 में। अच्छा, और आज करीबन 19 साल हो गया। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा इस दुकान को बनाने में। हाँ सर, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को, इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि क्या बताएं हम आपसे। बहुत स्ट्रगल किया, और इतना मतलब कि थोड़ा भी काम इधर उधर नहीं करने देता हूँ, जो भी काम होता है एकदम परफेक्ट होता है। और तो मुझे पता है क्योंकि मैं 4 सालों से इनके दुकान से कपड़े सिलवा रहा हूँ, और ये बकरीद या फिर कोई भी मतलब मैरिज वगैरह हुआ घर पे, तो सभी कपड़े यही सिलते हैं, और हैवी कपड़े सिलते हैं, बहुत ही बेस्ट कपड़े सिलते हैं। मतलब जेंट्स के लिए कपड़े सिलते हैं या लेडीज का भी? सर हम दोनों सिलते हैं। अच्छा, लेडीज एंड जेंट्स दोनों सिलते हैं। हाँ, और जेंट्स में क्या क्या सिलते हैं? जेंट्स में हम फर्स्ट में देखिए कोट पैंट सिलते हैं। अच्छा, ठीक है ना, देख लीजिए, कोट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सिलाई भी काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टैग लगा हुआ है बॉम्बे टॉप टेलर्स का, ठीक है। और आप कोट भी देख सकते हो, काफ़ी हेवी सिलाया गया है। और हम एक बात और बता दें, हाँ आप व्हाट्सअप पे हैं, किसी भी फोटो खींच के लेके आइए। अच्छा, सेम टू सेम टू कॉपी उतारिए, देखिए आपके साथ एक मेरा व्हाट्सअप का डिजाइनिंग का थी। अच्छा, ये देख लीजिए, पॉकेट पर देख लीजिए, हाँ कॉलर में भी देख लीजिए, कुर्ते भी मॉडल मॉडल के बनाते हैं, कोट पैंट के तो हम स्पेशलिस्ट हैं। और कुर्ते देख लीजिए, बटन देख लीजिए, कौन सा बटन लगा? मेरे भी कुर्ते सब यही सिलते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बटन देख सकते हैं, बटन क्या आप पब्लिक इलाके देते, जो कस्टमर आते हैं सिलवाने के? पब्लिक की मर्जी, हाँ मेरे भी पास है, पब्लिक भी इलाके देते हैं। अच्छा, वो जैसे बोले कि नहीं मेरे को यही चाहिए, वही देते हैं, ठीक है। और मटेरियल वगैरह के बारे में कुछ बताइएगा, कौन कौन से मटेरियल आप यूज करते हैं? सबसे पहला बात ये है कि हम चिंदी चोक टेलर नहीं, अच्छा हम जो भी है परफेक्ट है। हम तो सबसे पहले मटेरियल जो भी यूज करते हैं, मटेरियल में तो मेरा कोई मतलब कंप्रोमाइज का सवाल ही नहीं है। मटेरियल के सवाल में, कारीगर के सवाल में, कोई भी अल्टर हुआ उसके लिए एकदम मेरे यहाँ कोई भी कस्टमर आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं। थोड़ा सा इधर भी उधर भी हो गया, अगर आ गए तो उसको हम रिपेयर करके देते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता। सबसे पहला ये मेरा ऑफर है। और देखिए आप तो देखते होंगे कि अमेटो, आप तो नाम सुने हैं सर,
काफी अच्छा धागा है इंडिया लोग इंडिया लेवल पर धागे का माना जाता है। कपड़े कुर्ता वगैरह सिलाया जाता है सभी धागे जी जी। और ये देखिए बॉम्बे डाइंग का मटेरियल जो भी लगाते हैं मतलब हम ओरिजिनल लगाते हैं सर। और कपड़े फट जाएगा लेकिन धागे जो है नहीं टूटेगा ऐसा है, क्योंकि अमेटो का धागा आप जान सकते हो कितना मजबूत होता है। और दूसरी बात की आपकी दुकान में मैंने एक मशीन देखा था कि काफी मतलब बहुत सी जगह मैं टेलर में गया है दुकान में गया है लेकिन वैसा मशीन मैंने आज तक देखा नहीं यहाँ पे आए जितने भी टेलर थे। सर हम क्या बताऊँ, हाँ यह मशीन सन 2004 में आया। अच्छा, और 4 से लेकर सन 2020 है, लेकिन आज तक ले कोई थान में नहीं लेके आए। बस अपने जिले में बस दो जगह है। अच्छा, एक मेरे पास और एक तो एक है जहाँ भी है मशीन जो भी काज बनते हैं एकदम बेहतरीन। देख लीजिए देख लीजिए इसमें जो भी काज है बेहतरीन काज दिखाई देगा। हाँ क्या होता है ना कि कभी कभी सिलवा कर लेकर जाओ ना, कभी कभी सिलवा कर लेकर जाओ ना तो काटना पड़ता है साइड साइड में बटन नहीं जाते तो। नहीं नहीं वैसा बात नहीं है सर, हम जो भी देते हैं मशीन से देते हैं, टेस्टिंग भी मशीन से देते हैं, सब कुछ मशीन से। और काम के पीरियड में तो कुछ है मत, एकदम परफेक्ट देते हैं। और एक और बात की बहुत सारे टेलर में क्या होता है कपड़े तो ले लेते हैं कटिंग खुद के हाथ से ही करते हैं लेकिन सिलवाते दूसरी जगह। तो आपके मैंने आपका देखा भी जहाँ पे वर्कशॉप है सब काम यहीं पे होता है आपका खुद का है, मतलब आप सब जो भी वर्कर हैं सब आप ही रखे हैं, काटते भी खुद ही हैं और सिलते भी खुद ही हैं। देखिए सर जो बहुत से सारे टेलर है किसान के मंत्र नहीं जानते और बिल में हाथ डाल देते हैं, कुछ तो जानते नहीं है कटिंग वगैरह, तो क्या करेंगे अपने आदमी को रखते हैं और कटवा के बनवाते हैं तो क्या होता है परफेक्ट नहीं होता, वो स्पेशलिस्ट नहीं होता। हम खुद के स्पेशलिस्ट है, मैं अपना खुद का वर्कर रखे हैं, खुद के मास्टर रखे हैं, खुद के अपने हाथ से हम काटता हूँ। आप तो देखे होंगे कि कोट काट रहे थे, देखे ना कि हम काट रहे थे, आप देखे ऐसे ही है कि हम जो भी काम करते हैं अपने हाथ से करते हैं। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं फैमिली मेरे, तो आएंगे अगर दुकान पे तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह डिस्काउंट होगा सर। इसके लिए अगर मान लीजिए कोई 5,000 से ऊपर सिलाई करवाता है, 5,000 अमाउंट का मान लीजिए 10 सीट पैंट शॉर्ट हो गया, 2 सीट कोट पैंट हो गया और सिलाई करवाते हैं तो 10% हम डिस्काउंट हमारा। अच्छा, काफी अच्छा। और आओ यहाँ पे विजिट करो, कपड़े सिलवाओ, काफी अच्छा कपड़े सिलते हैं। और मैं भी कपड़े सिलवाने के लिए आया था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ ये वीडियो को। तो फिलहाल